पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीपक मंत्री उर्फ दीपक चौधरी के घर पर सैकड़ों बाइकें और कारों के काफिले के रूप में दीपक मंत्री की पत्नी सरिता चौधरी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जो पुतली घर से कुंदनपुर ढक्का एकता कॉलोनी आरटीओ कोहिनूर तिराहा होते हुए गली नंबर 1 यूसुफ पार्क हाजी यूसुफ अंसारी पूर्व विधायक के आवास पर पहुंची, जहां सरिता चौधरी और सभी समर्थकों का पूर्व विधायक द्वारा पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया और सरिता चौधरी को खुले मंच पर स्वागत कर बैठाया गया। इस दौरान सभी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, जहां सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, तो वहीं सरिता चौधरी द्वारा स्वर्गीय दीपक मंत्री का सपना समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी को भविष्य में पुनः विधायक बनाने के लिए संकल्प लिया गया और पूर्व विधायक द्वारा सरिता चौधरी पत्नी स्वर्गीय दीपक मंत्री का और अन्य समर्थकों का दिल से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमेशा लाइन पार के लोगों के साथ दिल से जुड़े रहने का वादा किया। ये हम यूसुफ अंसारी के यहाँ पर जा रहे हैं और ये जो भी तैयारी है सिर्फ मेरे हस्बैंड की तैयारी थी, सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए ये मैंने सब कुछ सब लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए ताकि उनका नाम आगे हो और जिस लिए सब लोग खड़े हैं उसी मतलब अपनी इच्छा, सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसा भी कुछ होता है हम हाजी यूसुफ अंसारी के लिए खड़े हैं, आज उन्हें ही जिताएंगे। अगर उनका पूरा समर्थन है इस इलेक्शन में तो हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। आज एक हमारा बहुत अजीज साथी जो दीपक मंत्री के नाम से शहर में मशहूर थे, उनकी याद में प्रोग्राम रखा गया है। उनकी पिछले महीने वो दुनिया से रुखसत हो गए, आज जो उनके चाहने वाले, जो उनसे प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले जितने भी लड़के थे और जो बुजुर्ग थे, जितने उनके साथी थे, आज सब यूसुफ पार्क में इकट्ठा होकर उनको याद किया और उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम था। ये हमारी उनकी वाइफ हैं, जो हमारी बेटी समान भी हैं, क्योंकि वो भी मुझे अब्बा कहता था, ये भी मुझे अब्बा कहती हैं। ये कुलदीप उनकी साइड में बैठे हैं, कपिल मेरी बाएं साइड में बैठे हैं, ये उनके साले साहब हैं। आज उनके सम्मान में जो लोग इकट्ठा हुए, उनसे यही अपील की गई कि आने वाले वक्त में जो दीपक मंत्री का जो सपना था, हम सब मिलकर उसे पूरा करें और एक बार फिर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी जीते और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बने। इन चीज़ों पर विचार हुआ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।